ये देखो भाई, ये कुछ सीन्स है भाई। यो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई देखो, रेडी वेडी होके अपना हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। क्यों जा रहे हैं? तो भाई क्या कहते हैं, हम निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। अब ये ट्रिप कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये तुम्हें बताऊँगा नीचे चल के। फटाफट नीचे चलते हैं, नीचे भी क्या चलते हैं, एक काम करते हैं लैंड होके पता ही लग जाओगे, क्योंकि वहाँ का मौसम ही ऐसा है। बढ़िया पार्टी वाली जगह है, पार्टी करेंगे दबा के। तो चलते हैं भाई, देखो रेडी वेडी फुल ओके। तो वाइब से भी समझ सकते हो कि कहाँ जा रहा हूँ। पहाड़ों पर नहीं जा रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ। तो और अकेला जा रहा हूँ फिर से, जी हाँ फिर से अकेला। तो लेट्स गो। खुश हो मेरे जाने से? ट्वेल्थ क्लास से गोवा करते 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 अब मेरे कॉलेज का थर्ड ईयर खत्म हो चुका, और अब मैं गोवा जा रहा हूँ इनकी बदौलत। इन्होंने मेरे को वादा किया था, इन्होंने ऐसी स्कीम लगाई थी कि अगर मेरे 30% से ज्यादा नंबर आते हैं, 80% से, तो मैं गोवा जाऊंगा। 3 साल हो गए, अब जा रहा हूँ 3 साल बाद। पेरेंट्स और पेरेंट्स के वादे हैं एज यूजुअल। मैं तो पागल हूँ, मेरा फोन ले लोगे तुम? मेरे को तो मेरे फोन के पीछे ऐसी पड़ी रहेगी, पूछो मत। चलो भाई, टाटा बाय बाय। ओके, मेरे को याद करना और हो सके तो थोड़े बहुत पैसे भेज देना। बाय बाय। एयरपोर्ट, और अब बस फटाफट अंदर चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको कहाँ जा रहे हैं। चलिए घुस लिए भाई, और बस अब बोर्डिंग पास लिया है, चेकिंग वेकिंग करवा लिया, और अब जा रहे हैं अंदर अपने गेट के पास। लेट्स सी, और एंजॉय करेंगे अपनी फ्लाइट में। मैं तो सोता सोता जाऊँगा, क्योंकि 2-3 घंटे की नींद दे रखी है, तो नींद तो बहुत तेज आ रही है। तो 3 घंटे कब निकल जाएंगे फ्लाइट के पता भी नहीं लगेगा। तो ये वाली ट्रिप भी सोलो होने वाली है, मैं अकेले जा रहा हूँ इस बार भी, क्योंकि भाई इसके बाद जो है ना भाई, बहुत प्यारी सी बॉडी बनानी है। तो मैंने सोचा कि भाई बॉडी तो बनानी है, 4-5 महीने फिर कहीं बाहर निकल नहीं पाएंगे। और गोवा जाने का बहुत मन भी था, बहन से सारे दोस्तों से पूछा, सबने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो भाई अकेले चलते हैं 2-3 दिन के लिए, इन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और वापस आ जाएंगे। तो गोवा जा रहे हैं फुल इन्जॉय। I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, so you could start the hotel. Or hotel maine liya South Goa mein, aur hotel hai Holiday Inn. Reason being ki bhai थोड़ा शांति वाली जगह पर जाना था, खिचपिच में नहीं जाना था। भले पार्टी करने जाएंगे वो बात अलग है, बट बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होटल भाई, मतलब इज द 5-स्टार रेजिडेंसी, और बहुत प्यारा दिखाता है लोगों को। ये देखो भाई, ये कुछ सीन्स है भाई, मतलब मज़ा आता है ढंग की जगह रहो ना, मज़ा आता है लाइफ स्टाइल का। रूम में जाने से पहले अपना लंच कर लेते हैं, लंच करके फिर रूम में चलते हैं फटाफट। तो भाई खाना पीना हो गया, रूम की तरफ की मिल चुकी है, और अब चले जरा बैग उठा के अपना होटल की तरफ। मेरा बैग यहाँ रखा है। फिर होटल से निकल के आ गए हैं बीच की तरफ, मतलब होटल का ही अपना पर्सनल बीच है। तो भाई लाइफ के फन तो होने चाहिए। देखो अब तो मैं व्यू दिखाता हूँ, एंड इट्स कॉल्ड द नेवर एंडिंग। साउथ गोवा का बीच है, इसीलिए इतना शांत और इतना साफ है। दैट्स व्हाई मैं तभी साउथ गोवा आया, कि भाई मुझे पता था कि शांत बीचेस और नीले साफ बीचेस साउथ गोवा में ही देखने को मिलेंगे। एंड सी बीचेस ओवर हियर, ओ माय गॉड भाई क्या सीन है भाई, देखो ओए ओए ओए, हॉले हॉले हॉले।
आगे जा नहीं रहा क्योंकि यार मैं पहन के आया हूँ जूते और जूते हो जाएंगे ख़राब, तो भाई मैं जाना नहीं चाहता। मैं कल आऊँगा दोबारा फिर से यहाँ पे, बट अभी का ये जो सीन है ना भाई, ओ शिट भाई डेडली, ये कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड। तो गाइस वापस आ गए थे बीच बीच से और अब रेडी हो चुके हैं रात में पार्टी करने के लिए। पार्टी करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे होता था, मोस्ट प्रोबेबली थलासा जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने थलासा का नाम बहुत सुना, मैंने वहाँ रिजर्वेशन भी कर रखी है। तो फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं, स्कूटी रेंट करनी है, अभी किसी से बात करेंगे, बड़ी मुश्किल से स्कूटी रेंट हुई है, तो वो भी बताऊँगा कितने में हुई है, क्या डिपॉजिट है, वो भी चल के बताता हूँ। तो चलो अभी चलें। तो गाइस निकल चुके हैं और अब जा रहा हूँ मैं फटाफट एक टैक्सी करके जहाँ पे मेरे को रेंटल्स मिलेगा वहाँ, देखेंगे मेरे को कितने में ड्रॉप करेगा। पार्टी के ये मेरा थर्मल, ये देखिए ये डेंट है, ये हाँ, दिख रहा डेंट है हाँ, और ये नीचे है पूरा रगड़ा हुआ है। अब बाकी कुछ है तो देख, ऐसा कुछ है नहीं, अब देख मतलब छोटे छोटे मोटे स्क्रैचेज है ना, अगर फ्रेश कुछ होता है तो आप बता दे। ये भाई स्कूटर है अपना जिसको मैं रेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप ये देख लो पूरी वीडियो बना लो ताकि कोई भाई बीटी ना हो बाद में। और अभी देखो बढ़िया लग रहा है, मतलब सही है। और आपको रात को थर्ड, थर्ड वो थर्ड का रात, थर्ड का रात कल रात को रिटर्न करने का, फनी कल रात को नहीं हाँ। फोर्थ की मॉर्निंग को रिटर्न करने का, फोर्थ मॉर्निंग तो 500 15 होते, ओके 1500 2000 तो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा वापस, हाँ, है ना, रिटर्न मिलेगा 4 तारीख को सुबह 9 बजे रिटर्न करेंगे, सुबह 9 बजे ठीक है। सो गाइस हम निकल चुके हैं थलासा की और स्कूटी से, अपनी स्कूटी से जा रहा हूँ और देखते हैं अब कैसा रहता है। भाई बहुत दूर है यहाँ से, 60 किलोमीटर है और मैं अनजान जगह पे 60 किलोमीटर स्कूटी से जा रहा हूँ, वो दीपक भाई। चलो जो भी है, ये भी एक नया फन है, तो भाई लेट सी, और भाई बड़े रूल्स हैं यहाँ पे, तो देखते हैं भाई आज क्या होता है, कैसे होता है, चलते हैं पार्टी करके आते हैं। पहुँचने वालों को 15 किलोमीटर रह गए और बीच में एक फ्लाई ओवर के पता है, उसके ऊपर से व्यू देखो भाई, भाई क्या प्यारा लग रहा है यार ये, ओए 1.5 में जाता हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं फटाफट पहुँच रहा हूँ, बहुत दूर है यार, बहुत ही ज़्यादा दूर है भाई, फट गई। फाइनली होटल पहुंच गए हैं, बहुत सीन हो गया था, मतलब मेरी ना वहाँ से निकलते निकलते बैटरी डेड हो गई थी फ़ोन की। अब भाई पूरा रास्ता 67 किलोमीटर्स का रास्ता और मेरे पास फ़ोन में चार्जिंग नहीं, फिर तो मैं बीच में खोके पे रुका, भैया को ने रिक्वेस्ट किया चार्जिंग लगा दो, थोड़ी सी चार्जिंग लगाई। और अब मतलब भाई देखो रास्ते बहुत अच्छे हैं, बट भाई बहुत लंबा रूट है, मतलब 1.5 घंटे से ऊपर ऊपर का रूट है। तो भाई अब मैं घर अब पहुँचा रूम में, 4 बज गए सुबह के पार्टी करके। रास्ते के बारे में मुझे पता नहीं था, वरना भाई रास्ता पूरा जंगलों से भरा हुआ है, अभी धीरे से बोल रहा हूँ, 4 बजे सुबह सब लोग सो रहे हैं ना, तो रास्ता भाई पूरा जंगलों से भरा हुआ है, और भाई मतलब भरा हुआ ही है वो पूरा का पूरा, कि मतलब जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, हाईवे आ गए, पर बड़ी मुश्किल से, पर रास्ता बहुत सुंदर है, मतलब भाई नेचर ही नेचर मिलेगा, और सेफ लगा मुझे तो, मतलब ऐसा सच कुछ लगाने की कोई दिक्कत होगी। और 67 किलोमीटर स्कूटी से, यानी कि मैंने एक ही दिन में 140 किलोमीटर्स करे हैं आज, 140 किलोमीटर्स भाई,
बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अब मेरा रूम हो रहा, अब जाके कपड़े चेंज करके बस सोना है। सो होटल पहुँच गया भाई, और आज का पार्टी का सीन ऐसा ही था, तेरे इसलिए बोल रहा हूँ क्या शोर करने का फायदा नहीं ना। तो भाई पार्टी हो गई है, अब थोड़ी देर बैठूँगा और फिर 5-10 मिनट में सोने चला जाऊँगा। सो कर अपना बढ़िया, उठ के फिर सोचेंगे कल क्या करना है, और रात को तो पार्टी है ही है, देखते थरा से ही जाऊँगा शायद मे भी दोबारा, क्योंकि मेरे को आज का बहुत अच्छा सीन लगा। और किसी को भी जाना है ना तो वहाँ चले जाओ, रिजर्वेशन करवा लो अपनी, फ्री रिजर्वेशन होती है, अंदर जाके आपको जो खरीदना है खरीदो और खाओ पियो ऐश करो। तो ये वाला ब्लॉग अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लव यू ऑल। और इसके बाद तो फिर हार्ड कोर ट्रांसफॉर्मेशन वाली सही शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।